हेलो एवरीवन वन ए के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करेंगे जो कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाली आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे तो चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं पहला प्रश्न है कुमो में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ ऑप्शन ए सत्रह ऑप्शन बी सत्रह ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी अठारह तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्रह में तो कुमाऊं में गोरखा शासन सत्रह में स्थापित हुआ था अगला प्रश्न है उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है ऑप्शन ए सल्ट ऑप्शन बी सालम ऑप्शन सी देवाट ऑप्शन डी कत्यूर घाटी तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सल्ट सल्ट को उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है अगला प्रश्न है सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी तो ऑप्शन ए है 6 सितंबर 1942 को ऑप्शन बी है 10 सितंबर 1942 को ऑप्शन सी है 5 सितंबर 1942 को ऑप्शन डी है आठ सितंबर उन्नीस को तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्ट की घटना पांच सितंबर उन्नीस को हुई थी अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी तो ऑप्शन ए है जनता पार्टी यानी कि जनता दल ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ऑप्शन सी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तो जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार थी अगला प्रश्न है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था तो ऑप्शन ए है अठारह ऑप्शन बी है सत्रह ऑप्शन सी है उन्नीस और ऑप्शन डी है अठारह तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अठारह वर्ष अठारह में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था अगला प्रश्न है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी तो ऑप्शन ए है वर्ष 1990 में ऑप्शन बी वर्ष उन्नीस में ऑप्शन सी वर्ष उन्नीस में ऑप्शन डी वर्ष उन्नीस में तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष उन्नीस में तो राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष उन्नीस में की गई थी अगला प्रश्न है अनंतपाल के धारशिल शिलालेख से किस वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है तो इसके ऑप्शन ए है कतुरिश वंश ऑप्शन बी है पवार वंश ऑप्शन सी है चंद वंश, ऑप्शन डी है गोरखा वंश तो अनंतपाल का जो धारशिल शिलालेख है इससे पवार वंश की जानकारी प्राप्त होती है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पवार वंश अगला प्रश्न है मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था तो ऑप्शन ए है लीलाधर जोशी ऑप्शन बी है पंडित ज्वाला दत्त जोशी ऑप्शन सी है मनोहर श्याम जोशी ऑप्शन डी है ग्रीश चंद्र जोशी तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लीलाधर जोशी तो मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में जो अनुवाद है वो लीलाधर जोशी के द्वारा किया गया था प्रश्न है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ऑप्शन ए है मोहन सिंह भाकुनी द्वारा ऑप्शन बी कृष्णानंद जोशी द्वारा ऑप्शन सी ज्योतिराम कांडपाल द्वारा ऑप्शन डी भैरव दत्त जोशी के द्वारा तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिराम कांडपाल तो देघाट में जो उद्योग मंदिर आश्रम था उसकी स्थापना ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा की गई थी अगला प्रश्न है आसन बिराज विहार का संबंध किससे है ऑप्शन ए है चिड़िया ऑप्शन बी हाथी ऑप्शन सी तेंदुआ ऑप्शन डी भालू तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिड़िया आसन बेराज बिहार का संबंध चिड़िया से है अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है ऑप्शन ए है पिंडारी ग्लेशियर ऑप्शन बी खतलिंग ग्लेशियर ऑप्शन सी कफनी ग्लेशियर ऑप्शन डी गंगोत्री ग्लेशियर तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगोत्री ग्लेशियर जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसको उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है अगला प्रश्न है किस परमा शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी तो ऑप्शन ए है नरेंद्र शाह ऑप्शन बी कीर्ति शाह ऑप्शन सी प्रताप शाह ऑप्शन डी भवानी शाह तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रताप शाह जो प्रताप शाह थे उन्होंने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी अगला प्रश्न है अठारह की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था तो ऑप्शन ए है सर हेनरी रेमजे ऑप्शन बी बी डब्ल्यू ट्रेल ऑप्शन सी जे एच बेटन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए सर हेनरी रेमजे जब कुमाऊं में जब अठारह की क्रांति हुई थी उसमें कुमाऊं का कमिश्नर सर हेनरी रैमजी थे अगला प्रश्न है किस किले को फोर्ट मोयरा कहा जाता है ऑप्शन ए राजबुंगा किला ऑप्शन बी लाल मंडी किला ऑप्शन सी खगमरा किला ऑप्शन डी मल्ला महल किला तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल मंडी किला जो लाल मंडी किला है उस किले को फोर्ट मोयरा किला भी कहा जाता है अगला प्रश्न है उत्तर काशी के हरसिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई थी तो ऑप्शन ए है एडमिन विल्सन के द्वारा ऑप्शन बी जॉन विल्सन द्वारा ऑप्शन सी फेडरिक विल्सन द्वारा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं ये तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फेडरिक विल्सन द्वारा उत्तरकाशी के जो हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति पाई जाती है उसको विकसित करने का श्रेय फेडरिक विल्सन को जाता है अगला प्रश्न है भेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है ऑप्शन ए चंपावत ऑप्शन बी चमोली ऑप्शन सी बागेश्वर ऑप्शन डी पिथौरागढ़ तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़ भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है अगला प्रश्न है अल्मोड़ा जनपद में चनोंदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ऑप्शन ए शांतिलाल त्रिवेदी ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत ऑप्शन डी कालू मेहरा तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शांति लाल त्रिवेदी जो अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम है उसकी स्थापना शांति लाल त्रिवेदी के द्वारा की गई थी अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है तो इसका ऑप्शन ए है इष्ट देवगण ऑप्शन बी निम्बर ऑप्शन सी भूदेव ऑप्शन डी बसंत देव तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निंबर जो निंबर थे उनको शत्रुहंता भी कहा जाता था अगला प्रश्न है किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है तो ऑप्शन ए है सोमचंद ऑप्शन बी महेंद्र चंद ऑप्शन सी मोहनचंद ऑप्शन डी कल्याणचंद तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमचंद जो चंद्रवंश के शासक सोमचंद थे उनको मौलिक पुरुष भी कहा जाता है अगला प्रश्न है कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसके द्वारा की गई थी तो ऑप्शन ए है कल्याणचंद ऑप्शन बी कवि शिव, ऑप्शन सी गुरु ज्ञान चंद ऑप्शन डी भीष्मचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कवि शिव जो शिव थे उनके द्वारा ही कल्याण चंद्रोदयम की रचना की गई थी अगला प्रश्न है दुधोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था तो ऑप्शन ए है ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य ऑप्शन बी देवीचंद और फतेह शाह के मध्य ऑप्शन सी सोमचंद और फतेह शाह के मध्य ऑप्शन डी महेंद्र चंद और फतेह शाह के मध्य तो दुधोली का जो युद्ध हुआ था वो ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य हुआ था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य शासक ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है कीर्ति शाह ऑप्शन बी प्रताप शाह ऑप्शन सी सुदर्शन शाह और ऑप्शन डी मानविंदर शाह तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुदर्शन शाह तो टिहरी को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक का नाम सुदर्शन शाह था अगला प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्र में वर्ष 1837 में सर्वप्रथम पुलिस थाना कहां पर स्थापित किया गया था तो ऑप्शन ए है इसका अल्मोड़ा ऑप्शन बी पिथौरागढ़ ऑप्शन सी नैनीताल ऑप्शन डी कोसानी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा अल्मोड़ा में सर्वप्रथम अठारह में पुलिस थाना स्थापित किया गया था अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्र सिंह नेगी ऑप्शन बी बुद्धि शरण रावत ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे ऑप्शन डी शरण रतुड़ी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्धि शरण रावत तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बुद्धि शरण रावत को अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था अगला प्रश्न है रामपुर तिराहा कांड के कारण गुरिल्ला युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस के जवानों को अपनी जान बचाने के लिए कहाँ शरण लेनी पड़ी थी तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीपल कोटी ऑप्शन बी रामपुर ऑप्शन सी पौड़ी ऑप्शन डी देहरादून तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई e, पीपल कोटी तो जब ये रामपुर कांड हुआ था तो उस समय पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए पीपल कोटी में शरण लेनी पड़ी थी अगला प्रश्न है राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के सात जनपदों के साथ लगती है कौन सा वह जनपद है जिसकी सीमा अन्य सात जनपदों के साथ लगती है तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंपावत ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल ऑप्शन सी अल्मोड़ा ऑप्शन डी चमोली तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल जो पौड़ी गढ़वाल है उसकी जो सीमा है वो सात अन्य जनपदों के साथ लगती है अगला प्रश्न है उत्तराखंड में दून किससे कहा जाता है तो इसके ऑप्शन है ए संरचनात्मक घाटियों को ऑप्शन बी संकरी घाटियों को ऑप्शन सी नदी घाटियों को ऑप्शन डी अल्पाइन घास के मैदानों को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है उत्तराखंड में अगला प्रश्न है नारायण पर्वतों के मध्य कौन सा स्थान स्थित है तो ऑप्शन है इसका केदारनाथ ऑप्शन बी बद्रीनाथ ऑप्शन सी फूलों की घाटी ऑप्शन डी तपोवन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बद्रीनाथ नर नारायण पर्वतों के मध्य बद्रीनाथ स्थित है अगला प्रश्न है गढ़ तांगली दर्रा किस जनपद में स्थित है तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तरकाशी ऑप्शन बी चंपावत ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरकाशी जो गढ़ तांगली दर्रा है ये जनपद उत्तरकाशी में स्थित है अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है तो ऑप्शन ए है यूंद ऑप्शन बी खरसाऊ ऑप्शन सी बस्क्याल ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस्क्याल वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में बस्क्याल कहा जाता है अगला प्रश्न है उत्तराखंड के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो ऑप्शन है इसका उषण ऑप्शन बी उपोषण ऑप्शन सी शीतोषण ऑप्शन डी अल्पाइन तो उत्तराखंड के जो भाबर क्षेत्र है इसमें उपोषण प्रकार की जलवायु पाई जाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपोषण जलवायु अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस नदी के तट पर पंच प्रयाग स्थित है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अलकनंदा ऑप्शन बी मंदाकनी ऑप्शन सी भागीरथी ऑप्शन डी सरयू तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा उत्तराखंड के पंच प्रयाग जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है अगला प्रश्न है कौन सा ताल विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है तो ऑप्शन ए है इसका गांधी ताल ऑप्शन बी खुरपा ताल ऑप्शन सी झिलमिल ताल ऑप्शन डी नोकुशिया ताल तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नोकुचिया ताल अगला प्रश्न है निम्न में से किस ताल को शीर सागर भी कहा जाता है तो ऑप्शन ए है इसका स्तोपन ताल ऑप्शन बी हेमकुंड ताल ऑप्शन सी केदार ताल ऑप्शन डी नचकेता ताल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तोपन ताल को शीर सागर भी कहा जाता है अगला प्रश्न है स्तोपंत ताल ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है तो ऑप्शन ए है इसका अलकनंदा ऑप्शन बी दूध गंगा ऑप्शन सी बाल गंगा ऑप्शन डी मंदाकनी तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा स्तोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है अगला प्रश्न है किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है तो ऑप्शन ए है इसका बुरांस ऑप्शन बी सागोन ऑप्शन सी साल ऑप्शन डी बांज तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बांझ बांज को उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है अगला प्रश्न है तपोवन बुग्याल किस जनपद में स्थित है तो ऑप्शन ए है उसका उत्तरकाशी ऑप्शन बी हरिद्वार ऑप्शन सी देहरादून ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरकाशी उत्तरकाशी में तपोवन बुग्याल स्थित है अगला प्रश्न है पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है तो ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए प्रथम ऑप्शन बी द्वितीय ऑप्शन सी तृतीय ऑप्शन डी चतुर्थ तो पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय कब होता है ऑप्शन ए नवंबर से फरवरी के मध्य ऑप्शन बी जनवरी से अप्रैल के मध्य ऑप्शन सी जुलाई से अक्टूबर के मध्य ऑप्शन डी मई से अगस्त के मध्य है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जुलाई से अक्टूबर के मध्य यानी कि जो फूलों की घाटी है वहां पर फूल खिलने का समय जुलाई और अक्टूबर के मध्य में वहां पर फूल खिलते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें इस प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहे धन्यवाद